हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आपका फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का जो हमने स्टार्ट किया था, जिसके क्या नाम था बताइए बताइए। नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके हम टू पैराग्राफ देख चुके थे, जिसमें जो कुछ भी होता है वो आपको बताया गया। ठीक है, और इसके वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर आपको राइट करने के लिए कहा गया था। आई होप आपने अपना होमवर्क डेफिनेटली कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो साथ के साथ आप अपना होमवर्क करते रहिए, फॉर्मेट अच्छे तरीके से, जैसे आप क्लासरूम में करते हो। ओके, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंप्रहेंशन चेक। ओके, इसका मतलब होता है बौद्धिक समझ चेक करना। ठीक है, आपने लेसन पढ़ा है, दो पैराग्राफ पढ़े, उसमें आपने क्या देखा क्या सीखा उसके बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। ऑथर ने जंक शॉप में क्या पाया या क्या मिला था उनको। द ऑथर फाउंड एन ओल्ड 19th century रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। उस जंक शॉप में ऑथर को एक बहुत पुरानी 19th century की एक रोल टॉप डेस्क मिली थी। इट वॉज़ इन अ बैड स्टेट, ये बहुत ज़्यादा बुरे हालात में थी। विद बर्नड मार्क्स, इसके ऊपर जलने के निशान थे। सेपरेटेड विनर एंड वॉज शेलिंग क्वाइट चीप। ठीक है, और इस जलने के निशान थे और इसकी जो परत थी वो काफ़ी जगह से उखड़ी हुई थी और इसे बहुत ही सस्ते दामों पर बेचा गया था। सेकंड क्वेश्चन इसमें बन रहा है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर। उस ऑथर को, राइटर को, सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। आप क्या सोचते हो कि ये वहाँ पे किसने रखा होगा। तो देखते हैं, द ऑथर फाउंड अ लेटर इन ए स्मॉल टिन बॉक्स इन साइड द सीक्रेट ड्रॉर। उस सीक्रेट ड्रॉर के अंदर की तरफ ऑथर को एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स मिलता है, जिसमें उन्हें एक लेटर मिलता है। मिसेस मैकफर्सन मस्ट हैव पुट इट देयर। ये मिसेज मैकफर्सन ने वहाँ रखा होगा फॉर सेफ कीपिंग, ताकि ये वहाँ सुरक्षित रहे। एज इट बोर्ड द एड्रेस ऑफ द रिसीवर एंड हर नेम एज वेल, क्योंकि इसके ऊपर उन्हीं का, रिसीवर की जगह उन्हीं का एड्रेस मिलता है और उन्हीं का नाम एज वेल वैसा का वैसा है। द डेस्क टू बिलोंग टू हर, इसलिए हमें लगता है भी ये डेस्क जो है वो भी उन्हीं से बिलोंग करती होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, वो लेटर जो राइटर को मिला था उसमें क्या लिखा था, वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा होता है डियरेस्ट कॉनी। ठीक है, ये उन्हें संबोधित करते हुए या सबसे पहले उनको बोला जाता है डियरेस्ट कॉनी। ओके, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं तुम्हें बहुत ही मेंटल स्टेट जो मेरी है, वो मानसिक स्थिति जो मेरी है, वो बहुत ज़्यादा खुशी से भरी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ और इसी मानसिक स्थिति के साथ मैं तुम्हें ये लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, क्योंकि आज बहुत ही क्या हुआ है, एक वंडरफुल चीज़ घटित हुई है, बहुत अजीब सा कुछ अलग हुआ है इसके साथ, इसलिए इसने उसे लेटर लिखा अपनी वाइफ को बताने के लिए। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मैं तुम्हें एक बार बताना चाहता था। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह हम अपनी अपनी ट्रेंचेज में खड़े थे। ट्रेंचेज होती है जब सोल्जर्स युद्ध में खड़े होते हैं ना, आमने सामने लड़ाई हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं, छुपने के लिए खाई खोदते हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर पूरा सोल्जर आ जाते हैं, पूरे आ जाते हैं, वो उसके अंदर उनका सिर बाहर रहता है, ताकि वो सामने वाली आर्मी को देख सके। ठीक है, उनको ट्रेंचेस बोलते हैं। तो इसने कहा भी, हम कल सुबह की बात है कि हम अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे और ये मॉर्निंग थी क्रिसमस मॉर्निंग। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ये मॉर्निंग कैसी थी, क्रिस्प थी। क्रिस्प होती है ड्राई एंड कूल, एकदम सूखी सी और ठंडी सुबह थी ये। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और चारों तरफ क्या थी, लगभग सब जगह शांति थी। एज ब्यूटिफुल एज अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। ठीक है, इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटिफुल थी ये मॉर्निंग, अच्छी थी, जैसी कि मैं हमेशा देखना चाहता था। As cold as frosty and frosty, इतनी ठंडी और एकदम फॉग से भरी हुई, कोहरे से, धुंध से भरी हुई थी। As a Christmas morning should be, जैसी कि एक क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it. मैं आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, मैं तुम्हें ये बताना पसंद करता चाहता था कि हमने ये सब शुरू किया। ठीक है, बट द ट्रूथ, लेकिन सच ये है, मतलब ये शुरू करने में हम भी एबल थे, बट सच तो ये है कि आई एम अशैम्ड टू से, कि मुझे ये सब बताने में बहुत अशैम्ड, शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट। ठीक है, कि ये शुरू किसने किया, फ्रिज ने ये शुरू किया। ठीक है, फ्रिज किसको बोला गया, यहाँ फ्रिज बोला गया है अ कॉमन नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। ठीक है, ये जो लड़ाई हो रही थी ना, ये किन के बीच में हो रही थी, ब्रिटिश सोल्जर और
जर्मन सोल्जर्स आमने सामने थे, तो जर्मन सोल्जर्स की साइड में जो एक सोल्जर था उसने शुरुआत की, ठीक है। और ये लेटर कौन लिख रहा है, एक ब्रिटिश सोल्जर बता रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं फिर क्या होता है। ओके, तो ये क्या किया उन्होंने, स्टार्ट टू कर दिया। फिर फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, ट्रेंचेस अपोजिट, सबसे पहले कोई एक दिखाई दिया जो एक वाइट फ्लैग वेविंग हिला रहा था फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, जो अपोजिट साइड हमारे दूसरी सेना की जो ट्रेंचेस थी, खाइयाँ थी, उनमें से कोई एक वाइट फ्लैग को हिला रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड का मतलब यहाँ पे है उस जगह से जहाँ दो देशों के बीच की क्या बनती है, जो सीमा की लाइन होती है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है, बॉर्डर होता है ना जो, बॉर्डर लाइन उसको बोलते हैं, द बॉर्डर लाइन बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में बॉर्डर लाइन जो होती है उसको बोला जाता है नो मैंस लैंड। तो हुआ क्या, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। तो उन्हें क्या सुनाई दिया, अभी अपोजिट साइड जो दूसरे देश की सेना थी उस तरफ से आवाज़ आई कि किसी ने उन्हें पुकारा हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो टॉमी किसको बोला है यहाँ पे, अ कॉमन नेम फॉर अ ब्रिटिश सोल्जर, ब्रिटिश सोल्जर्स को कॉमन में सबको टॉमी बोला जाता था। तो उन्होंने एक तरीके से सारी ब्रिटिश सेना को क्या किया था, क्रिसमस विश किया था, ठीक है। वैन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, वैन वी हैव गॉट ओवर द सरप्राइज, सम अवर्स शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू, ठीक है। इससे पहले कि मतलब हमारे उस सरप्राइज़ पर हम जीत हासिल कर पाते, यानी उस सरप्राइज़ से हम निकल पाते, इससे पहले हमारी तरफ से किसी ने वापस से चिल्लाकर कहा सेम टू यू फ्रेंड्स, ठीक है, उनको भी क्रिसमस विश कर दिया। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि ऐसा हो रहा है, वी ऑल डिड, कि हाँ ऐसा हो गया था, वी ऑल डिड, हमने ऐसा कर दिया था। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, लेकिन तभी अचानक उनमें से कोई एक आदमी सामने आया, वॉज अप देयर, वहाँ ऊपर निकल कर आया, जिसने ग्रे कलर का बड़ा सा कोट पहन रखा था और वाइट फ्लैग को वो हिला रहा था। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया कि डोंट शूट लैड्स, लैड्स यहाँ पे बोला गया यंग बॉयज़ या सोल्जर्स को, ठीक है। तो उन्होंने कहा भी डोंट शूट, कोई भी शूट नहीं करेगा। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट किया भी नहीं उनके बोलने के बाद। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन दी पैरपेट एंड अनदर, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा जर्मन सोल्जर बाहर आया और उसके बाद में एक एंड अनदर एक और बाहर आया, ठीक है। पैरापेट यहाँ पे बोला गया वॉल बिसाइड द ट्रेंच, जो खाई होती है उसके दोनों तरफ दीवार तो होती है ना, बीच में से खोद लिया जाता है, उस दीवार की तरफ से पहले एक फ्रिज यानी एक जर्मन ब्रिटिश सोल्जर बाहर आया, सॉरी जर्मन सोल्जर बाहर आया, फिर दूसरा और बाहर आया। फिर कीप योर हैड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, मैंने उन आदमियों से कहा कि कीप योर हैड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो, इट्स अ ट्रिक, ये एक चाल है, बट इट वॉज़ नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले इन्हें शक हुआ कि सामने वाली जो दुश्मन सेना है, जो आर्मी है, वो क्या हो रही है, हमारी तरफ आ रही है, तो हो सकता है कि इसमें इनकी कोई चाल हो, है ना, तो ये थोड़ी समझदारी दिखा रहे थे, लेकिन बाद में इन्हें पता लगा कि ये कोई भी चाल नहीं थी। अब आप वर्ड्स देखिए जो आपको राइट करने हैं, और क्वेश्चंस आंसर्स भी जो आपको राइट करने हैं, ओके। आपका फर्स्ट वर्ड मीनिंग है फ्रेम ऑफ माइंड, जिसका मतलब है मेंटल स्टेट यानी मानसिक स्थिति। सेकंड इज ट्रेंचेस, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द इनेमी। लॉन्ग डीप डिचेस, लंबे लंबे गहरे गड्ढे होते हैं जो ज़मीन में बनाए जाते हैं, जहाँ पे सोल्जर्स अपने दुश्मनों से छुपते हैं। क्रिस्प होती है ड्राई एंड कूल बट प्लीजेंट, सूखी और एकदम ठंडी सुबह जो प्लीजेंट सुहावनी हो। फ्रॉस्टी होता है कवर्ड विद फॉग, यानी बहुत ज़्यादा कोहरे से भरी हुई हो, फॉग हो। अक्रॉस फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यानी एक कॉर्नर से दूसरे किनारे तक। गॉट ओवर, ओवरकम, ठीक है, सफलता हासिल करना या सफल होना। फ्रिट्ज अ कॉमन नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, ए जर्मन सोल्जर के लिए कॉमन नेम है। टॉमी एक कॉमन नेम है ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। नो मैंस लैंड मैंने बताया, द बॉर्डर लाइन बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच की बॉर्डर लाइन होती है। लैड्स यंग बॉयज़ या फिर सोल्जर्स को कहा जाता है। पैरापेट होता है वॉल बिसाइड द ट्रेंच, उस खाई के दोनों तरफ की दीवार। ओके, इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चंस, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कॉनी, हु रॉट दिस लेटर, कॉनी कौन थी और ये लेटर किसने लिखा। कॉनी वॉज जिम्स वाइफ, कॉनी जिम्स की पत्नी थी,
और जिम जिम की पत्नी थी। जिम रॉट दिस लेटर टू हिज वाइफ कॉनी, और ये लेटर जिम ने अपनी पत्नी कॉनी को लिखा था। ओके, अपना सेकंड क्वेश्चन है हु वर टॉमी एंड फ्रिज। टॉमी और फ्रिज कौन थे? आपने देखा ना कॉमन नेम थे ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स के। देन आंसर इज टॉमी वॉज द कॉमन नेम ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वाइल जर्मन सोल्जर्स वर कॉमनली कॉल्ड फ्रिज। थर्ड क्वेश्चन है हु वेव्ड अ वाइट फ्लैग एंड फ्रॉम वेयर। व्हाइट फ्लैग कौन हिला रहा था और कहाँ से? द जर्मन सोल्जर्स वेव्ड अ वाइट फ्लैग फ्रॉम देयर ट्रेंचेस अक्रॉस द नो मैन्स लैंड। ठीक है, जो दूसरे देश की सीमा की लाइन थी उसके उसके उस पार से ट्रेंचेस में से खाई में से वाइट फ्लैग कौन हिला रहा था? जर्मन सोल्जर्स हिला रहे थे। ठीक है, अब अपना लास्ट वन क्वेश्चन फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डग आउट पिट्स। ठीक है, गड्ढे खोदना, जो गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं उनको क्या बोलेंगे वन वर्ड में? हो गया ये ट्रेंचेस। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड्स, आपको इनको भी अपने नोटबुक में मेंशन राइट डाउन करना है। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।